नमस्कार बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत मैं डॉक्टर रेनु राय, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ौदा हिंदवान से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक का पाठ प्राकृतिक वनस्पति लेकर आई हूं और इस पाठ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पाठ की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ सकेंगे। पहला, आप प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा को जान सकेंगे, साथ में आप भारत में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के वन हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ इन सभी वनों की जो विभिन्न विशेषताएं हैं ये जानेंगे और इसके आधार पर एक वन दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ये भी समझ सकेंगे। जो अगला उद्देश्य है वो यह है कि भारत के विभिन्न प्रकार के वनों का वितरण आप भारत के मानचित्र पर कर सकेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम प्राकृतिक वनस्पति किसे कह रहे हैं। तो सामान्य सी भाषा में यदि आप समझना चाहें तो आप अपने घरों में पौधे लाते हैं और पौधों को सींचते हैं, लगाते हैं बड़े उससे, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको वो मिट्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह से पानी आप दे रहे हैं और उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये तो आपके घर के पौधे हुए। लेकिन जब हम प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहां पर हम ये शब्द उस पौधा समूह को दे रहे हैं जो बाहरी बिना बाहरी किसी भी हस्तक्षेप के वो ग्रो कर रहा है, नेचुरल वे में ग्रो कर रहा है। जो नेचर उसे मिट्टी और जलवायु प्रदान कर रही है उसके आधार पर वो ग्रो कर रहा है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति जो शब्द है उससे तात्पर्य उस पौधा समूह से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं और जो उसको उपलब्ध मिट्टी और जलवायु है वो उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को, उस पौधा समूह को हमने क्या नाम दिया, प्राकृतिक वनस्पति, या हम अंग्रेजी में उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आइए अब आगे हम बात करते हैं कि भारत में वनस्पति विविधता क्यों है, इतनी ज्यादा वैरायटी जो भारत में पाई जाती है। जैसा आप आगे पढ़ोगे तो आप जानोगे कि भारत में कुल 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि भारत में विविधता काफी है वनस्पति में, तो इसका कारण क्या है पहले ये समझते हैं। तो भारत में जो वनस्पति की विविधता है उसका 2 मुख्य कारण है, यहां पर पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता। आपको पता है, आपने पढ़ा भी है पहले के पाठों में कि यहाँ पर कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, तो मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की है और हर जगह अलग अलग तरह का तापमान और वर्षा का जो अमाउंट है वो अलग अलग है। तो इस मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता की वजह से आप भारत में इस प्रकार की जो क्या है वो आप विविधता देख सकते हो कि कहीं पर आपको पर्वतीय वन मिल रहे हैं, तो कहीं आपको पर्णपाती वन मिल रहे हैं, कहीं पर आपको सदाबहार वन दिखाई दे रहे हैं। ये वनों के प्रकार हैं जो हम अभी समझेंगे। तो ये मैप आपको एक आइडिया देता है कि भारत में वनस्पति की कितनी विविधता है। जैसे आप देखोगे तो हिमालय क्षेत्रों पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति दिखाई देती है, वहीं जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो पश्चिमी घाट है और अंडमान निकोबार द्वीप का जो एरिया है वहां पर आपको सदाबहार वन मिल जाएंगे। जो डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, जो डेल्टा क्षेत्र है वहां पर आपको मैंग्रोव दिखाई देते हैं। वहीं जो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर आपको कांटेदार झाड़ियां दिखाई देंगी। तो ये एक आइडिया है कि भारत में किस प्रकार की विविधता जो है वो वनस्पति में पाई जाती है। आइए अब आगे हम समझते हैं वनों के प्रकारों को। तो भारत में मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता के आधार पर हमने वनों को
पांच भागों में बांटा है। जो सबसे पहला है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम देते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का नाम देते हैं। तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं। और चौथा पर्वतीय वन, जिसको सामान्य उसमें माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और जो आखिरी है वह वेलांचली व अनूप वन, जिसको हम अंग्रेजी में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट या मैंग्रोव्स कहते हैं। अब एक एक वन के प्रकारों की विशेषताओं को समझेंगे और वहां पर किस तरह से तापमान बदल रहा है, जो वर्षा की मात्रा है वो बदल रही है, और कौन कौन सी हमें वहां पर प्रजातियां मिल रही हैं वनस्पति की, और इसके साथ साथ क्या प्राणी की प्रजातियों में भी अंतर है, इसको हम एक एक वनों के प्रकारों से समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, या जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि ये ऐसे एरियाज में ये वन मिलते हैं जहां पर जो वर्षा की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी वर्षा की मात्रा अत्यधिक है। तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान ऐसे एरिया में होता है। और यह अधिकतर कैसे प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं, जो उष्ण और आर्द्र प्रदेश होते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि ये वन जो होते हैं काफी सघन होते हैं, काफी डेंस होते हैं, और ये पूरे मौसम में ये हरे भरे होते हैं, आपको सूखे कभी नहीं दिखाई देते। और इसका मुख्य कारण क्या है कि इन वनों के में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें जो फूल हैं या जो फल हैं, इनका अलग अलग ग्रोइंग पीरियड है, इनका सबका अलग अलग ग्रोइंग पीरियड है। तो पूरे साल किसी न किसी महीने में कभी फल कभी फूल आते रहते हैं, इसलिए ये कभी भी पर्ण रहित नहीं रहते हैं। तो आप हमने इसीलिए इसको नाम दिया एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि ये काफी डेंस होते हैं, काफी सघन भी होते हैं। और यहां पर आप देखोगे कि जो पेड़ों की जो लंबाई होती है वो 60 मीटर या उससे अधिक लंबे पेड़ भी पाए जाते हैं, कहने का मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़ यहां पर दिखाई देते हैं। अब यदि वितरण की बात करें कि ये भारत में कहां मिलते हैं, तो हम मैप से भी इसको समझेंगे। पहले हम क्षेत्रों के नाम समझ लेते हैं कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और मुख्य प्रजातियों की बात करें तो यहां पर हमें रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी जैसे जो प्रजातियां हैं वो मिलती हैं। वहीं अर्ध सदाबहार वनों की बात करें, सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, तो सदाबहार वनों की तुलना में ये कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक मिक्स्ड रूप होते हैं, एक मिश्रित रूप होते हैं, किसके, सदाबहार और जो आर्द्र पर्णपाती वन है। अभी सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे, तो जो सदाबहार और जो आर्द्र पर्णपाती वन है उसका एक मिक्सचर हम मानते हैं अर्ध सदाबहार वनों को। और इसमें जो मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं वो हैं जैसे साइडर, होलक और कैल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का अगर हम वितरण समझें इस मैप की मदद से, तो जो ये गाढ़ा हरे रंग का की जो पट्टी आपको यहां दिखाई दे रही है जिन जिन एरियाज में, उनको आप ध्यान से देखेंगे, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। जैसे ये एरिया पश्चिमी घाट का, घाट की जो पश्चिमी ढाल है ये वाला एरिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह यहां पर है, और नॉर्थ ईस्ट का ये जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का इतना जो पोर्शन है, यहां पर हमको किस तरह के वन दिखाई देते हैं, जिन वनों की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मुख्य वृक्ष प्रजातियों की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको नाम बताया था, इनके चित्र भी आप देख सकते हैं, जैसे रोजवुड, एबनी, एनी और महोगनी। अब हम दूसरे तरह के वनों की बात करते हैं, जो सेकंड टाइप है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हमने नाम दिया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
इसकी पहली विशेषता क्या है कि भारत में ये वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, मॉनसून वन भी हम इसे कहते हैं। अब यहां पर वर्षा की मात्रा की बात करें तो यहां पर वर्षा जो चाहिए होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा चाहिए होती है। और इन वनों को फिर दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जल की उपलब्धता, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है जिस हिसाब से इन रीजन्स में, तो इसको फिर से दो भागों में बांटा गया। और वो दो भाग हैं आर्द्र पर्णपाती, जिसको हम ड्राई डेस्ट्रियस फॉरेस्ट कहते हैं, और दूसरा है शुष्क पर्णपाती, जिसको हम कहते हैं वेट डेस्ट्रियस फॉरेस्ट। आइए पहले इसके अंतर को समझते हैं। जो आर्द्र और शुष्क पर्णपाती है उनमें मुख्यतः दो अंतर है। आर्द्र पर्णपाती में वर्षा की मात्रा 100 से 2 सेंटीमीटर होती है, तो शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगर वितरण की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती उत्तर पूर्व राज्य हिमालय के गिरिपथ, जो फुटहिल्स हैं हिमालय के, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और ओडिशा में देखे जा सकते हैं। और जो शुष्क पर्णपाती हैं वो जो प्रायद्वीप के जो अधिकतर वर्षा वाले भाग हैं वो हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मैदानी भाग हैं उनमें पाए जाते हैं। अगर मुख्य वनस्पति या पेड़ों की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती हैं उनमें सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन, कुसुम, इस तरह के पेड़ दिखाई देते हैं। और वहीं शुष्क पर्णपाती में तेंदू, पलाश है, अमलतास है, बेल है, खैर है और एक्सलवुड है। इन मुख्य पेड़ों के आप चित्र भी देख सकते हैं। शुष्क पर्णपाती में तेंदू, अमलतास, खैर, बेल और एक्सलवुड, और आर्द्र पर्णपाती में सागवान, महुआ, कुसुम, साल, चंदन और शीशम। अब उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है जिनकी अभी हमने चर्चा की है, इनके वितरण को समझने की कोशिश करते हैं इस मैप की मदद से। यहां आप राजनीतिक मैप देख सकते हैं ताकि आप स्टेट्स को समझ सकें, और यहां पर हम वनस्पति के प्रकारों का मैप है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो इस हल्के भूरे रंग से दिखाया जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला। तो हमने जैसे आपको बताया था कि आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं इसमें उत्तर पूर्व राज्य और हिमालय के गिरिपथ है ना, तो आप ये देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हिमालय के गिरिपथ हो गए, और ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल हो गया, ओडिशा के राज्य के कुछ भाग हो गए। और वहीं अगर शुष्क पर्णपाती की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो ये जो प्रायद्वीपीय जो रीजन है उसके अधिकतर राज्य आते हैं। उसके साथ साथ मैंने बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मैदानी भाग हैं ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको शुष्क पर्णपाती वन जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये हमने वितरण समझा। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे वनों के प्रकार के बारे में, जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, कांटेदार वन। तो यहां पर जो वर्षा की मात्रा होगी वो पहले वालों से कम होगी, यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और यहां पर अधिकतर आप क्या देख सकते हो, घास और झाड़ियां, इस प्रकार की वनस्पति ही दिखाई देती हैं। और पूरे वर्ष की बात करें तो पौधे यहां पर लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, यानी आपको पत्ते पूरे वर्ष नहीं दिखाई देते हैं, सूखी झाड़ियां ही दिखाई देती हैं। अगर मुख्य प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य प्रजातियां वो हैं जैसे बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी, पलाश, इस तरह की। भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप ये थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वन देख सकते हैं, तो वो है दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो ड्राई एरियाज हैं वहां पर। आइए इन चित्रों को देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है उनमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। पलाश, बबूल, नीम, खजूर, बेर और खेजड़ी। इसको अगर इस मैप में वितरण को समझें तो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है वो आपको इस वाले उससे दिखाई देते हैं,
लाइट कलर से, इस वाले से। तो अगर हम वितरण की बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा किसका है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का है। जैसे क्षेत्रों को अगर हम समझें तो दक्षिण पश्चिम पंजाब का जो रीजन है, ठीक है, यहां पर आकर दक्षिण पश्चिम पंजाब, कुछ पोर्शन जो है वो हरियाणा का आप देख सकते हैं इसमें, यहां पर कुछ पोर्शन हरियाणा का, फिर राजस्थान, राजस्थान में आप ये वन देख सकते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, और उत्तर प्रदेश के कुछ ड्राई जो एरियाज हैं यहां पर आप उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का वितरण जो है आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे प्रकार के वन है वो है पर्वतीय वन, या जिनको हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय वन की। तो इसमें एक बात हमें ये समझना है कि उत्तरी पर्वतीय वन को अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी ऊंचाई के हिसाब से इसको कुछ उसमें बांटा गया है, और ये देखा गया कि हर एक ऊंचाई का जो डिफरेंस आ रहा है तो वहां पर वनस्पति भी जो है वो भी बदलती जा रही है। तो किस तरह, आइए समझते हैं। तो हिमालय के जो फुटहिल्स हैं, जो गिरिपथ हैं, उन पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाते हो तो आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। वहीं जब आप 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको व्यापारिक महत्व वाले पेड़ ज्यादातर दिखाई देते हैं, जैसे चीड़ के वन। फिर 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर आपको इस तरह के पेड़ जैसे स्प्रूस है, ब्लू पाइन है, अभी आप चित्र देखेंगे तो ज्यादा समझ सकेंगे। उसके बाद 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन है, बर्च है, देवदार के पेड़, चिनार और वालन के वृक्ष दिखाई देते हैं इन उत्तरी पर्वतीय वनों में। वहीं दक्षिणी पर्वतीय वनों के की बात करें तो इसे प्रायद्वीप के तीन भागों में, पश्चिमी घाट, विंध्यांचल और नीलगिरी की श्रृंखलाओं में ये वन देखे जा सकते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति और निचले क्षेत्रों में आपको उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति दिखाई देती है। मुख्यतः जो तीन राज्य हैं वो है केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक। एक शब्द आता है शोलाश, तो शोलाश जो है वो नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी की पहाड़ियां हैं यहां पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उन्हें हम एक टर्म देते हैं शोलाश। तो इन्हें शोलाश वन कहा जाता है। यहां पर मुख्यतः जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है मैग्नोलिया, लेरल, सिंकोना और वैटल, और सतपुड़ा और मैकाल की श्रेणियों में भी आप इस तरह के वन देख सकते हैं। ये प्रजातियों की कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ब्लू पाइन, सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस और जूनिपर। और दक्षिणी पर्वतीय वनों की प्रजातियां हैं वैटल, सिंकोना, मैग्नोलिया और लैरल। अब अगर वितरण की बात करें तो इस मैप से आप देख सकते हैं कि पर्वतीय वन इस चिन्ह से दिखाया गया है, ये वाला पूरा जो ये जो पोर्शन है, यहां पर जो जो राज्य है यहां से लेकर यहां तक, और नॉर्थ ईस्ट में ये वाला, और जो ये जो पूरा हिमालय का जो रीजन है यहां पर आप इन वनों का वितरण देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के वन है वो है वेलांचली व अनूप वन, जिनको हम अंग्रेजी में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट बोलते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप वन हैं, जहां पर कि 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है, और अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवला देव जो राष्ट्रीय पार्क है वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं, और इन भारत में इन आर्द्र भूमियों को कुल 8 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 8 वर्ग कौन कौन से हैं, इनके हमें नाम जानने हैं।
दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान गुजरात कच्छ की खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें व जलाशय, भारत के पूर्वी तट पर जो डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून है, गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के जो एरियाज हैं, कश्मीर और लद्दाख की जो पर्वतीय झीलें हैं, और इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। तो ये जो भारत के आर्द्र भूमि को हम वेटलैंड भी कहते हैं, तो ये जो भारत की जो आठ आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, इनके नाम आपको जानने हैं और इसके साथ साथ आपको इसका वितरण भी देखना है। जैसे ये जो मैप है आपको वेटलैंड साइट्स जो है इंडिया की, जिसको हम हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं, ये मैप आपको दिखा रहा है। जैसे आप अगर इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है अपर गंगा रिवर रीजन, फिर यहाँ पर कश्मीर एरिया में वुलर है, सुरनिसार मानसर है, ठीक है, फिर हरियाणा में रोपड़ है, और यहाँ राजस्थान में सांबर और केवला देव है, वहीं गुजरात में नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश में भोज, उड़ीसा में चिल्का और भिटा कनिका है, और पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन और ईस्ट कोलकाता वाला रीजन जो है, और यहीं आपको उत्तर के और भी जो वेटलैंड साइट्स हैं यहाँ पर, और दक्षिण में आपको जैसे अष्टामुड़ी है या वेम्बनाड है, पॉइंट कैलिमर है। तो ये जो है, ये जो मैप है आपको एक पिक्चर देता है वेटलैंड साइट्स की, कि भारत की आर्द्र भूमियां जो है किस तरह से यहां पर आप इसका वितरण समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन की, कि हम मैंग्रोव वन किसे कह रहे हैं। तो अगर इसके पूरे विस्तार की बात करें तो लगभग 6,740 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं, और जो विश्व मैंग्रोव वन जो भारत में जो पाए जाते हैं, ज्यादातर जो स्वैम्प एरियाज होते हैं, या आप ऐसे समझे कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं, डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जो वहां पर पाए जाते हैं। तो विश्व का लगभग भारत के अगर उसकी बात करें तो विश्व के लगभग 7% जो एरिया है वो मैंग्रोव वन से ढके हुए हैं। और ये जो मैंग्रोव वन है, इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको सेलाइन वाटर में वेजिटेशन मिलती है ना, खारे जल में आपको प्लांट्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर क्षेत्रों की बात करें तो मैंग्रोव वन किन किन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, तो लवण कच्छ, ज्वारी संकरी घाटी, या जो पंक मैदानी और ज्वारनद मुख के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, है ना। मेन तो डेल्टाई क्षेत्र है ही, कि डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो लवण कच्छ वाले एरिया, पंक मैदानी है, या जो ज्वरी संकरी घाटियां हैं, यहां पर भी आपको मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं। अगर भारत में इसके वितरण को समझें तो मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, आपने ये नाम सुना होगा कि जो सुंदरवन डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, और यहाँ पर कई तरह की प्रजातियां, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आपने सुना होगा कि रॉयल बंगाल टाइगर का यह आवास माना जाता है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो अपनी बहुत सी प्रजातियों और प्राणियों के लिए फेमस है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो एक खासियत क्या है कि सुंदरवन डेल्टा में आपको इंडिया में मैंग्रोव वन प्राप्त होते हैं, और इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी। इसके अलावा साउथ में, दक्षिण की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन पर भी आपको ये मैंग्रोव वंस दिखाई देते हैं। अगर मैप में वितरण को समझना चाहें तो
सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुंदरवन मैंग्रोव वनों से, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगर पश्चिम राज्यों की बात करें तो गुजरात में भी आपको कुछ जगहों पर मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं। दक्षिण की तरफ यदि बढ़ते हैं तो मैंने जैसा बताया था कि महानदी, कृष्णा और कावेरी जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इनके डेल्टा में भी मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मुख्यतः अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहां पर मुख्यतः आपको जो मैंग्रोव वन है वो दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस स्लाइड्स के माध्यम से आज हमने ये जाना कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि भारत में जो ये प्राकृतिक वनस्पति की इतनी विविधता क्यों है ना, मिट्टी और जलवायु में विविधता होने के कारण ही प्राकृतिक वनस्पति में भारत में इतनी विविधता पाई जाती है। इसके साथ साथ हमने भारत में जो 5 वनों के प्रकार हैं इनके बारे में जाना, और इसके साथ हमने इन सारे वनों के प्रकारों की जो विशेषताएं थी ये जानी, और ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है ये भी जाना, और भारत के मानचित्र पर इन वनों के का चित्रण करना भी हमने जाना कि किस किस राज्य में किन किन तरह प्रकार के वन मिलते हैं। आखिर में इस पाठ को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी। आप सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा लिखेंगे, इसके साथ साथ जो भारत में पाए जाने वाले जो वनों के प्रकार हैं उनके नाम लिखेंगे, और आद्र पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती वनों के बीच के अंतर को लिखेंगे, और भारत का मानचित्र लेकर आप उस पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और जो पर्णपाती वन है उनके वितरण को दर्शाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।